हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल विनू डायरीज़। दोस्तों, हमारे परिवार में या दोस्तों से या फिर हमारे पार्टनर से जब कभी हमारी लड़ाई हो जाती है तो हम माफ़ी मांगकर पछतावा करते हैं। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर से माफ़ी तो मांगते हैं, सॉरी बोलते हैं या फिर ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, चलो मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन हमारा पार्टनर हमें माफ़ नहीं करता। कितनी बार ऐसा होता है कि सॉरी बोलने से ही हमारी बात ज़्यादा बिगड़ जाती है। पहले इतनी नहीं थी, लेकिन हम सॉरी ऐसे बोलते हैं कि हमारी बात वो बनने के बजाय बिगड़ जाती है। आज हम इसी पॉइंट्स पर बात करेंगे कि हम सॉरी कैसे बोलें कि हमारा पार्टनर हमसे मान जाए, जो हमारे बीच दूरियां हो गई हैं वो ख़त्म हो जाए। बस सॉरी बोलने का तरीका ही आज जानेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करिएगा, और अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। अब आते हैं पॉइंट्स पर। सबसे पहली जो बात है, हम जो गलती करते हैं माफ़ी मांगने में, वो है कि देरी करना। हम ये सोचते रहते हैं कि हमारा पार्टनर हमसे माफ़ी मांगे, और पार्टनर ये सोचता रहता है कि हम उनसे माफ़ी मांगे, और दोनों एक दूसरे से इतना टाइम निकल जाता है इसी चीज़ में कि वो सोचता है ये माफ़ी मांगे, वो सोचता है ये मांगे, और दोनों का ही इतना टाइम निकल जाता है कि दूरियाँ बढ़ती चली जाती हैं। क्योंकि जब हम माफ़ी अगर उसी टाइम पर मांग लेते हैं तो जो बातें बढ़नी होती है वो बढ़ती नहीं है, वहीं पर ख़त्म हो जाती है। देखिए, सॉरी बोलना कोई ये नहीं है कि आपको सॉरी बोलने में शर्म फील हो रही है, आप ये लग रहा है कि अरे मैं सॉरी क्यों बोलूँ, वो बोलेगी, वो सोचते हैं कि मैं क्यों सॉरी बोलूँ, ये बोलेगा। तो आपस में हम इतना टाइम निकाल देते हैं कि जो पहले हमारी गलतियाँ होती थी, इस सॉरी के चक्कर में इतना टाइम निकल जाता है, वो भी हम याद करने लगते हैं कि उस टाइम पे ये हुआ था, उस टाइम पे ये हुआ था, और बातें हमारी बनने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाती है जब हम उनको सॉरी बोलते हैं बाद में। तो टाइम रहते ही आपको सॉरी बोलना है, उसमें देर नहीं करनी है कि पुरानी बातें याद करें या पुरानी सारी गलतियों का एक दोबारा से फिर एक और नया टॉपिक स्टार्ट हो जाए। तो आपको ये नहीं करना है, वहीं पर सॉरी बोलकर बात को ख़त्म कर देनी चाहिए। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, उसको सुधार करना प्रगति है। तो प्लीज़ अपनी भूल को टाइम पर ही सुधार कर लीजिए, उसको मान लीजिए। आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है गुस्से से सॉरी बोलना। कितनी बार हमारी बात सॉरी बोलते हुए भी इसीलिए बिगड़ जाती है कि हम गुस्से से सॉरी बोल देते हैं। चलो ठीक है, माफ़ करो, अब बात ख़त्म करो, सॉरी। चलो ठीक है, अब माफ़ी मांग रहा हूँ ना, बात ख़त्म, सॉरी। हम कुछ इस तरह से बोलते हैं, तो हमारी बात अगर वो बनने वाली भी थी तो वो और ज़्यादा बिगड़ जाती है हमारी सॉरी बोलते ही। देखिए, आप सॉरी इसलिए नहीं बोल रहे कि आपने गलती की है, आप सॉरी इसलिए बोल रहे हैं कि आप अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं, आप वहीं पर बात को ख़त्म करना चाहते हैं। और जो सॉरी बोलता है, जो अब सबसे पहल करता है, मेरा तो ये मानना है कि वो ही समझदार होता है। और ये बातें आप भी समझिए, और जिसको आप सॉरी बोलते हैं उनको भी समझना चाहिए कि जो सॉरी बोलकर बात को वहीं पर निपटाता है वही समझदार होता है। तो आप अपनी बात को प्यार से सॉरी बोलिए, ऐसा नहीं गुस्से से, बहुत ही प्यार से कि चलो ठीक है, आगे से दोनों लोग ध्यान रखेंगे, और तुम्हें मेरी गलती लगती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं और ज़्यादा ध्यान रखूँगा, चलो अब तुम परेशान मत होना, इस तरह से बोलना चाहिए। थर्ड पॉइंट होता है डिजिटल माफ़ी मांगना। कितनी बार ये होता है कि जैसे दो पार्टनर आपस में झगड़ते रहते हैं, कुछ भी बात हो गई और आपस में उनका झगड़ा हो गया, लेकिन वो जो फेस टू फेस होते हैं वहाँ पर माफ़ी नहीं मांगेंगे, वहाँ पर ईगो जाता है, और जब घर जाएंगे सोचते हैं अरे क्या जा रहा है, फ़ोन पर सॉरी लिख के भेज देता हूँ, और जो पार्टनर है वो समझ जाएगा कि चलो अब माफ़ी मांग रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं और फ़ोन पर लिखकर भेज देते हैं, सॉरी मुझसे गलती हो गई, सॉरी, ऐसे करके भेज देते हैं, और इससे रिश्ते और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। जब आप सामने थे, आपने ये शब्द तो आप तब भी बोल सकते थे, तब भी तो अपनी लड़ाई को वहीं पर ख़त्म कर सकते थे। देखिए, मैं आपको बता ही रही हूँ कि जो माफ़ी मांगता है ना वो समझदार होता है, और आप माफ़ी इस वजह से नहीं मांग रहे हैं कि आपने गलती की है, आप तो इस वजह से मांग रहे हैं कि आप लड़ाई को वहीं पर ख़त्म करना चाहते हैं, और आप इस बात से नीचा नहीं होते हैं, थोड़ा और आपका ऊपर हो जाता है, एक लेवल बढ़ जाते हैं आप अपने पार्टनर से माफ़ी मांगकर। तो आपको वहीं पर ही फेस टू फेस माफ़ी मांग लेना चाहिए, ना कि डिजिटल। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेलिटी में सॉरी बोलना। कितनी बार होता है कि दो पार्टनर जब आपस में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई होती है, तो बस वो वहाँ पर बैठ के सॉरी और निकल लिए,
क्या ये माफ़ी के लिए काफ़ी होता है? अगर आपने कोई गलती की भी है, कुछ ऐसा हो भी गया है, तो बहुत ही प्यार से समझाकर आराम से बैठकर बात करिए, सॉरी माफ़ कर दीजिए, कोई बात नहीं, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। और उसके लिए ये नहीं कि सॉरी बोला और निकल लिए, थोड़ी देर बैठिए, दोनों आपस में बातें करिए, जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करिए, थोड़ी देर बैठना चाहिए। ऐसे नहीं कि सॉरी बोले और निकल लिए, तो सामने वाला ये सोचता है कि ये सॉरी ना बोलकर मुझ पर एहसान दिखा रहा है, तो इससे आपकी बातें और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। जब भी कभी सॉरी बोले तो थोड़ा सा इन बातों का भी ध्यान रखिए। देखिए, सॉरी बोलने में कुछ भी नहीं जाता है, आप अपने पार्टनर को मना सकते हैं, अपने बीच की दूरियों को ख़त्म कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी ऐसी ही वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।